मी टू मोमेंट, विशाखा गाइडलाइंस, सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्कप्लेस, ये कुछ ऐसे कॉमन टर्म्स हैं जो हमने सुने हैं, पर क्या हमको पता है ये सारी चीज़ें क्या हैं, किस तरीके से कनेक्टेड हैं और इनके बारे में कौन से लॉज हैं? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रिया सुपाहा एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉट ओनली विशाखा गाइडलाइंस बट ऑल्सो द सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। राजस्थान के भदेरी गांव में रहने वाली भवरी देवी एक दलित महिला थी और वो राजस्थान गवर्नमेंट के विमेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1985 में एज अ साथिन एम्प्लॉयड थी। साथिन का मतलब होता है सहेली, और उनका जो काम था वो बेसिकली अवेयरनेस पहुंचाना था। किस तरह की अवेयरनेस? ये अवेयर करना कि देयर मस्ट बी गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, मतलब लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, भ्रूण हत्या नहीं करना चाहिए, चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, कुछ हाइजीन के बारे में, इस तरह से कुछ प्रोजेक्ट्स थे जिन पे उनका काम ही ये था कैंपेन करना और अवेयरनेस पहुंचाना। इसी दौरान एक घटना हुई। राम गुर्जर नाम के एक व्यक्ति थे जो अपने 9 महीने की बेटी की शादी कर रहे थे। भवरी देवी को जब ये पता चला तो वो तुरंत गई और वो ये चीज़ को, उस शादी को रोकने की कोशिश करने लगी। उन्होंने गांव वालों से कहा, बहुत लोगों से कहा, उन्हें भी बहुत समझाया कि ये शादी नहीं होने चाहिए। सारा गांव इस बात को जानता था कि चाइल्ड मैरिज इल्लीगल है। इसके बाद भी किसी ने भवरी देवी की बात नहीं सुनी। जब भवरी देवी इन लोगों से हार मान गई तो वो पुलिस और प्रशासन के पास पहुँची। जब वो वहाँ पहुँची तो कलेक्टर के आदेश से पुलिस ने आकर उस शादी को रोक दिया। उस दिन तो वो शादी रुक गई, लेकिन दूसरे दिन उन लोगों ने वो शादी कर दी और ये बात गांव में पूरी तरीके से फैल गई कि जो पुलिस आई थी वो भवरी देवी के कहने पर आई थी। इस चीज़ को गांव वालों ने एक प्रेस्टीज इशू बना लिया और वो सब के सब भवरी देवी के खिलाफ हो गए। नतीजा ये हुआ कि 4 लोग, जिसमें उस गुर्जर फैमिली के 4 लोग थे, जिसमें उस बच्ची का फादर भी था, इसके अलावा एक और आदमी, इन लोगों ने भवरी देवी के पति को बहुत बुरी तरीके से पीटा, मारा और भवरी देवी के साथ एक ब्रूटल गैंग रेप किया। भवरी देवी इस इंसिडेंट के बाद बुरी तरीके से हिल गई कि क्या एक चीज़ जो गलत हो रही थी वो रोकना इतना बड़ा गुनाह था कि जिसकी ये सज़ा उन्हें भुगतनी पड़ी। भवरी देवी पुलिस के पास जाती रही कंप्लेंट लिखाने के लिए। बहुत कोशिश करी उन्होंने कंप्लेन लिखाने की और उतनी ही कोशिश पुलिस ने करी कंप्लेन नहीं लिखने की, लेकिन किसी तरीके से उनकी इतनी कोशिशों के बावजूद भवरी देवी ने कंप्लेन लिखवा ली। और कंप्लेन लिखवाने के बाद आप मानेंगे नहीं, 52 आवर्स बाद उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ और जो मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट आई उसमें ये तो नहीं कहा गया कि उनके साथ रेप हुआ, बल्कि ये ज़रूर बता दिया गया कि उनकी एज क्या थी। इसके बाद केस चला। केस चलने के बाद चूँकि एविडेंसेस नहीं थे, विटनेसेस नहीं थे, कोई उनके बारे में उनके सपोर्ट में नहीं था, तो वो अपना केस हार गए। केस तो वो सेशन कोर्ट में हार गए, लेकिन ये बात मीडिया में और बाकी लोगों तक बहुत ज़्यादा पहुँची। जब ये बात बहुत ज़्यादा पहुंची तो बहुत सारी ऐसे विमेन ऑर्गेनाइजेशन थी, बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो विमेन के सपोर्ट में थी, स्पेशली दिल्ली में और राजस्थान में, उन लोगों ने भवरी देवी का साथ देना शुरू कर दिया। ऐसी 4 ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने खास तौर पे भवरी देवी का साथ दिया। काली ऑर्गेनाइजेशन फॉर विमेन जो कि दिल्ली में थी और विशाखा ऑर्गेनाइजेशन जो राजस्थान में थी, इन्होंने खास तौर पर भवरी देवी का साथ दिया और उनके साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ी। और ये बात कही गई और इसके खिलाफ PIL लगाई गई। सो देर वॉज अ PIL विच वॉज फाइल्ड इन द कोर्ट। बेसिकली जो इश्यूज रेज किए गए थे वो ये कहे गए कि दिस वॉज एंड दिस शुड बी कंसिडर्ड एज अ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। बिकॉज वाई एट वर्क प्लेस? बिकॉज शी वॉज परफॉर्मिंग हर ड्यूटी। वो अपनी ड्यूटी कर रही थी और जब वो अपनी ड्यूटी कर रही थी तो उस दौरान उनके साथ किसी भी तरीके का हरेसमेंट नहीं होना चाहिए था, बल्कि उसे सपोर्ट करना चाहिए था। बिकॉज ऑल वेयर अवेयर कि वो ड्यूटी कर रही थी और वो बात सही थी जो वो कह रही थी, और जो हुआ वो बहुत गलत था।
इसीलिए वहाँ पे 3 इश्यूज़ रेज किए गए। इनिशियली ये कहा गया कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हुआ है वो बेसिकली वॉयलेशन है फंडामेंटल राइट का, विच इज़ अंडर आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, हम डिग्निटी के साथ प्रोफेशन की बात करते हैं, हम बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन कहाँ वो बातें हो जाती हैं। सो बेसिकली 3 इश्यूज वर रेज्ड इन द कोर्ट अंडर दिस PIL। द 3 मेन इश्यूज विच वर रेज्ड वर, द फर्स्ट वन इज whether sexual harassment at the workplace amounts to a violation of rights of gender inequality and the right to life and liberty. Second, whether the court could apply international laws in the absence of applicable measures under the existing. Third, whether the employer has any responsibility when sexual harassment is done to or by its employees. यानी कि क्या जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं हम जब सेक्सुअल हरासमेंट की बात होती है? क्यों ऐसा होता है कि जब महिला कोई चीज़ रोकने की कोशिश करती है तो उसको नहीं उतना सपोर्ट किया जाता है जैसा शायद कोई पुरुष करता है तो उसे सपोर्ट किया जाता है? दूसरी बात थी कि उस समय इस चीज़ से रिलेटेड कोई लॉ नहीं था। कभी भी इस तरह के केसेस होते थे तो हम IPC के सेक्शंस के ऊपर आते थे, आउटरेज ऑफ वुमेन, मॉडेस्टी या असॉल्ट की बात हम करते थे। लेकिन सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को ठीक तरीके से डिफाइन नहीं किया था कि अगर काम के दौरान कोई ऐसी चीज़ होती है तब महिला कहाँ जाए, क्योंकि अगर वो अपने सीनियर के ख़िलाफ़ या वहाँ पे कोई भी काम करने वाले लोगों के खिलाफ कंप्लेन करती है तो पहली चीज़ होती है कि उसको जॉब से निकाल दिया जाता है या लोग उस पर ही क्वेश्चंस उठाने लगते हैं कि ज़रूर गलती या ज़रूर कोई बात उसी में होगी जिस वजह से सामने वाले ने ऐसा किया। लेकिन इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे की बात सोचनी चाहिए, एक कोई एक्ट बनाना चाहिए। तीसरी बात ये हुई थी कि अगर किसी भी तरीके का लॉ हमारे यहाँ नहीं है जैसा कि अभी हमने कहा, तो क्या तो जो कोई इंटरनेशनल लॉज होते हैं उसको देखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली हमें जजमेंट लेना चाहिए। एंड लास्टली, जो एम्प्लॉयर होता है क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? इट शुड बी देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर एम्प्लॉयज़, क्योंकि वो उनके यहाँ काम कर रहे हैं और उनके साथ कुछ गलत होता है, नो मैटर इट इज़ सेक्सुअल हैरेसमेंट, सो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ अ एम्प्लॉयर टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। तो ये बातें जो थी, ये इश्यूज़ थे, ये उठाए गए। अब इस चीज़ का हल हमारे यहाँ इंडियन लॉज में नहीं था और इस चीज़ का हल निकालने के लिए इंडियन लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें देखी, बाहर के कुछ गाइडलाइंस ली और उसको ध्यान में रखते हुए 1997 में लैंडमार्क जजमेंट दिया जिसमें विशाखा गाइडलाइंस को प्रमोट किया गया और इंट्रोड्यूस किया गया। और ये कहा गया कि देयर शुड बी सम लॉ विच इज़ रिलेटेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस। स्टिल उस एक्ट को बनते बनते 2013 हो गई और 2013 में जो एक्ट आया दैट इज़ कॉल्ड एट द सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट। इस एक्ट में बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करी गई है। पहली चीज़ जो डिफ़ाइन करी गई है वो ये बताया गया है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब क्या है। देखिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, ये बहुत सीरियस ऑफेंस है और हम किसी पे गलत तरीके से सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट नहीं कर सकते क्योंकि इसके अगेंस्ट एक्शन भी बहुत सीरियस नेचर का होता है। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आती है और क्या चीज़ इसके अंदर नहीं आती है। एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं कहूँ कि अगर कोई लेडी बहुत अच्छे से तैयार होकर आई है और उसको किसी मेल एम्प्लॉयर ने ये कह दिया कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो इसे हमें सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में नहीं डालना है। लेकिन अगर इसी चीज़ को रिपीटेडली गलत तरीके से, गलत इशारे से, अंदाज से अगर ये बातें कही जाती है तो यही बात सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस में आ जाती है। मतलब क्या हुआ, कौन सी चीज़ें आती है, किस तरीके के हैरेसमेंट को हम सेक्सुअल हैरेसमेंट कहते हैं? हम कहते हैं अगर कोई कलर्ड रिमार्क्स दे रहा है, कोई जेस्चर, कोई पोस्चर, कोई ऑब्जेक्ट, कोई SMS, कोई व्हाट्सएप मैसेज, कोई मूवी, कोई ऐसी चीज़ें, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको दिखाया जा रहा है या आपसे उस तरह की बातें हुई जा रही है, कोई इशारा करा जा रहा है या कोई गाने गाए जा रहे हैं,
कोई कविताएं बोली जा रही है जो कि आपकी किसी भी तरीके से की मॉडेस्टी को हर्ट करती है या आउटरेज करती है, तो वो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की कैटेगरी में आती। इसी तरीके से बिना टच करे ये सारी बातें आती हैं। अब अगर टच की बात कर रहे हैं, किसी भी तरीके का सेक्सुअल फेवर की वो बात कर रहे हैं, फॉर जस्ट फॉर फन ऑल्सो और जस्ट फॉर प्रमोशन, तो वो सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आता है। सिमिलरली वो आपसे कोई कलर्ड रिमार्क्स दे रहे हैं, कोई पोर्नोग्राफी की साइट भेज रहे हैं या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई इसी तरह की न्यूड पिक्चर्स दिखा रहे हैं या कोई भी ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स दिखा रहे हैं, दैट ऑल इंक्लूड्स अंडर सेक्सुअल हरासमेंट। नाउ इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी इंस्टीट्यूशन, नो मैटर इट इज़ अ प्राइवेट और अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, दैट देयर मस्ट बी अ विशाखा कमेटी। एक विशाखा कमेटी का होना हर इंस्टीट्यूशन के लिए ज़रूरी होता है। अब उसमें कौन कौन सी चीज़ें वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस जो ये एक्ट बना है, ये सिर्फ एक गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं बना है। इसमें सारी महिलाएं जो कि वर्क प्लेस पे हैं, नो मैटर वो आपके घर में आने वाली मेड क्यों ना हो, कोई डोमेस्टिक हेल्प है, कोई मजदूर है, कोई भी ऐसे लोग हैं जो वर्क प्लेस पे हैं, किसी भी तरीके का काम कर रहे हैं, ये एक्ट उन सब पे लागू होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और ये सबको पता होना चाहिए और इस बात की अवेयरनेस आपको फैलानी चाहिए। बहुत सारे केसेस मेड्स लोगों के साथ होते हैं कि उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया जाता है, गलत व्यवहार किया जाता है, मगर उन्हें ये लगता है कि हम कैसे करें। ये मत भूलिए वो भी काम पर है, वो काम पर आई हैं, तो उनके लिए भी ये सारी चीज़ें हैं। ये एक्ट सबके लिए है, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है जिसकी अवेयरनेस पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। As far as act is considered, as I said that it is necessary कि विशाखा कमेटी हर एक इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए। Now विशाखा कमेटी में जो खास बात होनी चाहिए वही ये कि वहाँ पर 10 members होना ज़रूरी है। उन 10 members में it is necessary कि वहाँ पर कुछ women members भी हों, women member का होना ज़रूरी है ताकि कोई भी महिला आकर उन तक शिकायत ठीक से कर पाए, ठीक से बोल पाए कि किसने उनके साथ गलत किया है। और उनका ये भी ज़रूरी है कि जो विमेन मेंबर्स हैं या जितने भी मेंबर्स हैं उस कमेटी में, वो उस बात को डिस्क्लोज़ नहीं करें, किसी और को वो बात नहीं बताना है। अगर इस तरह की कोई चीज़ करी जाती है, अगर मेंबर्स में से कोई भी व्यक्ति जो भी हरेसमेंट हुआ है किसी लेडी के साथ उसको बाहर तक पहुँचाता है, वो बात बाहर करता है, तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना होता है। बेसिकली विशाखा गाइडलाइन एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, कि वहाँ पर विशाखा गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाए, जिसकी ये ड्यूटी होती है कि वो इस तरह की किसी भी शिकायत को सुने। कोई भी विमेन जिसके साथ इस तरीके का हरेसमेंट होता है, वो वहाँ आके अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकती है। देखिए, जो बेसिक चीज़ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी कंप्लेन कमेटी के मेंबर्स को जानने के लिए, और ये बात आपको भी जानने के लिए, किसी भी महिला के साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है, बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। और ये घटना अगर जॉब में हो रही है, एक वर्क प्लेस में हो रही है, तो ये और भी ज़्यादा डर की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दिमाग में ये बात रहती है, और अगर किसी सीनियर ने उसके साथ इस तरह की चीज़ें करी है तो वो डरती है कि अगर मैं सीनियर के बारे में ये बातें बोलूँगी तो ज़रूर मेरे खिलाफ़ कोई एक्शन ले लिया जाएगा, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी महिला के साथ ये हुई है तो ज़रूर उसी ने कुछ किया होगा, वो ऐसे कपड़े क्यों पहनती है, वो ऐसी बातें क्यों करती है, वो ऐसा काम क्यों करती है, इस पर क्वेश्चन उठाए जाते हैं, और उसकी नौकरी पे बात आ सकती है। इसलिए सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि अगर इंटरनल कंप्लेन कमेटी के पास इस तरह की कोई कंप्लेन आती है, तो ये उनकी ड्यूटी बनती है कि पहले तो उस विमेन को काम डाउन करें, उसको सहारा दें, उसे सपोर्ट करें, उसे और ना डराएं, उसे डीमोटिवेट ना करें कि तुम्हें ऐसी कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, ये ना कहें, उस बात को समझें कि वो क्या कहना चाह रही है, उसे सुने, और अगर सुनने के बाद आपको लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, देखिए वो ऑफेंस कोई भी हो सकता है, वो कलर्ड रिमार्क से लेकर
असॉल्ट तक कोई भी ऑफेंस हो सकता है, वो हमें पहले जानना है। उसको आप जानें, उसको समझें और फिर आप ये डिसाइड करें कि एक्शन किस तरीके का लेना चाहिए। एक पूरी प्रोसेस है जो मैं आपको बताऊंगी कि एक्शन कैसा लेना चाहिए। लेकिन अगर हम नॉर्मल वे में इसको कहें तो क्या वो बात सिर्फ वार्निंग से भी ख़त्म हो सकती है? क्या वो बात माफ़ीनामे से ख़त्म हो सकती है? उस एक पर्सन के सस्पेंशन से ख़त्म हो सकती है, उसे सस्पेंड करने से या उसे जॉब से निकालने पे ख़त्म हो सकती है? और अगर इनमें से कोई भी बातें नहीं आती है तो फिर वो बात डेफिनेटली कोर्ट तक चली जाती है। तो कौन से लेवल का लेना है डिसीजन, वो आपको यानी इंटरनल कमिटी के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें ये इस बात को ध्यान रखना है। अब इस चीज़ को हम एक चार्ट के द्वारा समझते हैं। सबसे पहली चीज़ है, अगर इस तरीके का कोई इंसिडेंस होता है, सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, तो उसकी रिपोर्ट विद इन 3 मंथ्स इंटरनल कमिटी को, कंप्लेन कमिटी को कर देनी चाहिए। इसमें दो तरीके से एक्शन लिया जा सकता है, एक इनफॉर्मल तरीका है, एक फॉर्मल तरीका है। पहले हम इनफॉर्मल तरीके की तरफ आते हैं। इनफॉर्मल तरीका कहता है जिसमें हम कंसीलिएशन कर सकते हैं, मतलब बातों से उस बात का हल निकाला जा सकता है। अब बातों में दो चीज़ें आती है, एक चीज़ ये हो सकती है कि जो रिस्पोंडेंट होता है वो फुलफ़िल करता है सारे ऑब्लिगेशन को, वो मान जाता है और वो जो भी चीज़ें वो सामने वाली जो लेडी वो चाहती है वो कंप्लीट कर देता है, तो यहाँ पे केस ख़त्म हो जाता है। दूसरी चीज़ होती है कि जो रिस्पोंडेंट होता है वो मानता नहीं है और वो कहता है कि मैं ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं करूँगा, ऐसी चीज़ में इंक्वायरी बैठती है। तो ये दो चीज़ें हुई जो इनफॉर्मल तरीके में आती है। अब हम फॉर्मल तरीके की तरफ जाते हैं। फॉर्मल तरीका बेसिकली ये होता है कि जो फॉर्मल तरीके में या तो हम ICC जो है इंटरनल कंप्लेन कमेटी को या नोडल ऑफिसर जो होते हैं इनको हम कंप्लेन करते हैं। इसमें कंप्लेन का होता है कि एक कॉपी जो होती है वो सबमिट करी जाती है रिस्पोंडेंट को जिसके खिलाफ कंप्लेन है, और ये कहा जाता है कि वो 10 दिन के अंदर जवाब दें। 10 दिन के अंदर जब जवाब दिया जाता है तो जो भी इंक्वायरी होती है जो उस जिसके खिलाफ कंप्लेन है उसमें ये ड्यूटी रहती है ICC की कि वो 90 डेज के अंदर उस पर्टिकुलर इंक्वायरी को कंप्लीट करे। अब जो इंक्वायरी रहती है उसकी रिपोर्ट जो दी जाती है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जिसे हम DO कहते हैं उनको दी जाती है, जिसमें दोनों पार्टी के बारे में बताया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि 10 दिन के अंदर ये चीज़ें कम्प्लीट हो जाए। आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ इंक्वायरी बेसिकली 10 डेज के अंदर जो रिपोर्ट होती है अपनी फाइंडिंग्स के साथ एम्प्लॉयर या DO को सबमिट करनी रहती है। अब उसके बाद दो चीज़ें होती है। पहली चीज़ें ये होती है कि जो भी रिकमेंडेशन दिए गए हैं एम्प्लॉयर या DO को उसमें एक्शन या तो नहीं लेने की ज़रूरत होती है। ये कहा जाता है कि कंप्लेंट नॉट अपहेल्ड इनकन्क्लूसिव, मतलब कि एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ होती है कि कंप्लेंट अपहेल्ड, मतलब कि जो भी रिकमेंडेशन दी गई हैं थ्रू एम्प्लॉयर और DO वो 60 दिन के अंदर उसकी रिसिप्ट मिलती है और वो एक्शन उसको लेना चाहिए। ऐसा करने में ये होता है कि ये जो दोनों ही कंप्लेंट रहती है अगर इन दोनों के जो भी रिकमेंडेशन दिए जाते हैं भले ही वो चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अगर इन बातों से भी सामने वाला पर्सन सेटिस्फाई नहीं है तो एक अपील करी जा सकती है ट्रिब्यूनल में या कोर्ट में विद इन 90 डेज। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ टाइमलाइन एज पर द एक्ट, यानी कि टाइम लिमिट या टाइम बार क्या है किसी भी कंप्लेन का और उसके रिजल्ट का। सबसे पहली चीज़ सबमिशन ऑफ कंप्लेन, मतलब कंप्लेन्स जो हैं दैट शुड बी सबमिटेड विद इन 3 मंथ्स ऑफ द लास्ट इंसिडेंस, जो भी आपके साथ इंसिडेंस हुआ है उसके 3 महीने के अंदर आपको कंप्लेन कर देनी चाहिए। दूसरी चीज़ नोटिस टू द रिस्पोंडेंट, जिसने वो गलत बात करी है उस रिस्पोंडेंट को विद इन 7 डेज ऑफ रिसीविंग कॉपी ये कॉपी ऑफ द कंप्लेन नोटिस दे देना चाहिए। तीसरी चीज़ है कम्प्लीशन ऑफ इंक्वायरी, जब इसके खिलाफ इंक्वायरी होती है वो विद इन 90 डेज ख़त्म हो जानी चाहिए। चौथी चीज़ सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय ICC और LCC टू एम्प्लॉयर और DO, मतलब एम्प्लॉयर और DO को जो रिपोर्ट सबमिट करते हैं वो विद इन 10 डेज ऑफ कम्प्लीशन ऑफ इंक्वायरी हो जानी चाहिए। इसके बाद उस रिकमेंडेशन जो रिकमेंडेशन दिया गया है उस इंक्वायरी में आफ्टर ये रिपोर्ट जो दी गई है उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो विद इन 60 डेज हो जाना चाहिए।
अब अगर किसी को वो रिकमेंडेशन नहीं अच्छे लगते हैं या वो उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो उसके खिलाफ अपील कर सकता है विद इन 90 डेज ऑफ द रिकमेंडेशन। ये सारी टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए। अगर ये टाइमलाइन एक्सीड कर जाती है तो आप प्रॉब्लम में हैं, तो वो चीज़ें उस तरीके से नहीं होती है जैसा आप चाहते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मी टू, सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस एंड विशाखा गाइडलाइंस। देखिए, मी टू मूवमेंट जब आया था तो लोगों ने सोचा ये बहुत नई चीज़ है और हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जबकि हमारे यहाँ ये चीज़ें बहुत पहले से मौजूद है, बस हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। और आप अवेयर रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। सो दैट इज़ ऑल। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक इट डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोग हमें और भी जगह फॉलो कर सकते हैं। वी आर हैविंग अवर पेज बाय द नेम ऑफ लॉ कॉलिक्वी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर एंड फेसबुक। इसके अलावा हमारी वेबसाइट भी है lawcolloquy.com, जहाँ पे हम लीगल ब्लॉग, केस कमेंट्स, लीगल आर्टिकल्स, जर्नल है हमारा। इसके अलावा वीडियोस, वेबिनार, सेमिनार, बहुत तरह की जानकारी पब्लिश करते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।